वेलकम बैक इन आर इंग्लिश ग्रामर क्लास। बच्चों लास्ट टाइम हम लोग टेंसेस करते आए थे, टेंसेस हमारे ख़त्म हो गए हैं और उसकी एक्सरसाइज भी हो चुकी है। आज मैं आपको करा रही हूँ जो हमारे सिलेबस में है फ्रेसेस। क्या है फ्रेसेस? ठीक है, फ्रेसेस क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्रेसेस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम लोग हमारे सेंटेंसेस में करते हैं, जो क्या है हमारे सेंटेंसेस को अट्रैक्टिव भी बनाते हैं और साथ में उनका एक कभी कभी क्या होता है, अगर वो फ्रेसेस अकेले होते हैं तो उनका कोई मीनिंग नहीं होता, बट वो सेंटेंस के साथ आते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम करते हैं डिफाइन। अ फ्रेस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है वो? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड एडवर्ब, सॉरी अ वर्ब। क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है उसमें। इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कम्प्लीट सेंटेंस, और वो कम्प्लीट सेंटेंस भी एक्सप्रेस नहीं करती है। क्या होता है? फ्रेसिस में आपके सेंटेंसेस भी कम्प्लीट नहीं होते हैं। लाइक एग्जाम्पल्स आप देखिए, टूवर्ड्स द पार्क, पार्क की तरफ, बट यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है और ना ही वर्ब है। रनिंग फास्ट, तेज भागना, ठीक है। अ स्मॉल या ब्राउन डॉग, After a very long walk, best friend was working after the earthquake. तो बेटा ये सभी जो हैं आपके क्या हैं? Phrases, words हैं, ठीक है, sentences हैं phrases वाले, इनका use हम लोग करते हैं। इसी तरीके से मैं आपकी book की exercise बताती हूँ आपको, आप उसमें कैसे feel करेंगे और साथ में वो work जो है, जो बच्चे अभी school नहीं आ रहे उनके लिए वो घर पे करेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आपके पेज नंबर 107 है ये, ठीक है, कौन सा है? पेज नंबर 107। तो 107 पेज पे आपका डी पार्ट है राइट इफ़ द वर्ड्स इन कलर आर फ्रेसेस और क्लॉजेस। तो बेटा क्लॉजेस तो मैंने आपको नहीं कराए, क्लॉजेस मैं आपको समझा देती हूँ। फिर भी क्लॉजेस वो वर्ड्स होते हैं जिसमें आपका वर्ब भी होती है और मीनिंगफुल सेंटेंसेस होते हैं। लाइक जूडी हैज़ रिटन अ लेटर, ये क्या है? क्लॉजेस हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखिए, फर्स्ट द सन हैज़ गोन बिहाइंड द क्लाउड्स, तो ये बिहाइंड द क्लाउड्स है, तो क्या बनेगा? फ्रेसेस, तो पी लिखेंगे यहाँ पर हम। जूडी हैज़ रिटन अ लेटर टू द प्रिंसिपल, किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को, तो कौन है? जूडी। तो ये क्या है? क्लॉजेस। क्यों है क्लॉजेस? क्योंकि यहाँ पे आपकी वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, ओके? इसी तरीके से बच्चों ये आपकी एक और है, ये आप सभी खुद करेंगे, ठीक है, बाकी सेंटेंसेस जो है खुद लगाएंगे यहाँ पे। फिर ई पार्ट है, ई पार्ट में आपको ये हेल्प बॉक्स दिया गया है, इस हेल्प बुक की बॉक्स की मदद से आप सब खुद करेंगे ये वर्क भी। मैं आपको फर्स्ट समझाती हूँ, जैसे रिप्लेस द फ्रेसेस इन द सेंटेंस विद द राइट वर्ड, सही वर्ड के साथ आपको रिप्लेस करना है। राजू रन विद ग्रेट स्पीड, देखिए जब बहुत तेज स्पीड से कोई भाग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? फास्ट। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? फास्ट, ओके, अंडरलाइन करेंगे और साथ में लिखेंगे फास्ट। तो ये इसमें है हेल्प बॉक्स, ये सब आप खुद करेंगे, ये वर्क आप लोग नोटबुक में भी करेंगे, ई पार्ट जो है। अगर ना समझ आए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आप लोग इसके आंसर्स मुझे, ठीक है, नंबर 1 डाल के, नंबर 2 डाल के आप मुझे आंसर वहाँ सेंड कर सकते हैं। तो बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।